नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर छपरा से निकलकर सामने आ रही है। आपको बताया कि छपरा में शराब कांड के बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गई है, उत्पाद विभाग की टीम एक्टिव हो गई है और छपरा के दियारा में ड्रोन की मदद से उत्पाद विभाग शराब की भट्टियों पर कार्रवाई कर रही है और छापेमारी कर शराब की भट्टियों को और शराब के बोतलों को नष्ट किया जा रहा है। आप विजुअल्स हम आपको सीधे छपरा के दियारा से दिखा रहे हैं, देखिए किस प्रकार पुलिस प्रशासन और उत्पाद विभाग की टीम जो है वो पहुंची है, छापेमारी कर रही है और जो भी अब जो भट्टी है, जो शराब की भट्टी है उसे पूरी तरह से नष्ट की जा रही है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है। शराबबंदी की कानून कड़ी तरीके से लागू किया गया है और जब से बिहार में जहरीली शराब कांड जो हुई है उसके बाद बिहार पुलिस, बिहार सरकार और भी एक्टिव हो गई है, खासकर उत्पाद विभाग की टीम एक्टिव हो गई है और जहाँ भी शराब की भट्टियाँ हैं, अवैध रूप से जहाँ भी शराब बनाए जा रहे हैं वहाँ उत्पाद विभाग की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है और इन भट्टियों को नष्ट किया जा रहा है। आपको हम विजुअल्स दिखाते हैं, आप पहले विजुअल्स देखिए। ये पिछले लगातार पिछले दिनों से हम लोग ड्रोन से, मोटरबोट से ये दियारा क्षेत्रों में लगातार छापामारी कर रहे हैं। इसी के क्रम में आज यहाँ पे जिला रायपुर के एरिया में हमारी तीन चार टीमें बनाकर छापामारी कर रही है। इसमें करीब हम लोग को एक जगह पांच भट्टी मिला, यहाँ दो भट्टी मिला। ड्रोन जहाँ जहाँ डिटेक्ट कर रहा है लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और अभी तक 25,000 के लिए जावा गुड़ को करीब 600 लीटर निर्मित शराब को हम लोग ब्लैस कर चुके हैं। लगातार हमारी कार्रवाई अभी जारी है। यहाँ आने तक कितना दिक्कत हुआ? यहाँ आने में आप खुद हमारे साथ आए हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे दो पानियों छपरा, रिवीलगंज, दिलिया, रहीमपुर इलाके में अवैध शराब भट्टियों पर जमकर कार्रवाई की गई है। एक तरफ उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी कर अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट कर रही है तो वहीं शराब कारोबारी अपने कारोबार को पुनः स्थापित करने में से बाज नहीं आ रहे हैं। 40 से भी ज्यादा भट्टियों को उत्पाद विभाग की टीम ने ध्वस्त कर दिया है। आपको बताया कि ड्रोन की मदद से ये कार्रवाई की गई। सारण जिले की विभिन्न थाना क्षेत्रों में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद उत्पाद विभाग ने अवैध शराब निर्माताओं पर कार्रवाई और तेज कर दी है। इसी क्रम में आज रिवीलगंज थाना क्षेत्र के दिलिया रहीमपुर इलाके में उत्पाद विभाग ने ड्रोन कैमरे की मदद से भारी संख्या में पुलिस बल के साथ जबरदस्त कार्रवाई की। इस दौरान उत्पाद विभाग ने 40 से भी ज्यादा अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया। 250 क्विंटल शराब बनाने का कच्चा सामान भी नष्ट कर दिया गया है। साथ ही 650 लीटर अवैध तैयार देशी शराब की बरामदगी की गई। इस कार्रवाई में ड्रोन कैमरे की मदद से अवैध देशी शराब की भट्टियों को चिन्हित कर उत्पाद पुलिस ने सारण जिला उत्पाद अधीक्षक के नेतृत्व में सारी कार्रवाई की। तो आपको बताया कि ड्रोन की मदद से ये कार्रवाई किया गया है। ये कार्रवाई छपरा के दियारा में किया गया है। उत्पाद अधीक्षक सारण के उत्पाद अधीक्षक रजनीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, किस प्रकार ये कार्रवाई की गई है, पहले इनकी बातों को सुनिए। तो सुना आपने उत्पाद अधीक्षक ने क्या कुछ कहा। जब से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और उसके बाद भी आपको बताया कि बिहार में लगातार शराब की बोतलें पकड़ाई जा रही हैं, शराब के खेपे पकड़ाए जा रहे हैं और ऐसे में और जब से बिहार के छपरा में शराब कांड हुई है, छपरा में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है, उसके बाद जो है बिहार सरकार एक्टिव हो गए हैं। बिहार की जो पुलिस प्रशासन है, उत्पाद विभाग की जो टीम है वो
वो एक्टिव हो गई है और लगातार छापेमारी की जा रही है, ड्रोन की मदद ली जा रही है और जहां भी अवैध रूप से शराब की भट्टी चल रही है, जहां भी अवैध रूप से शराब बनाए जा रहे हैं, वहां उत्पाद विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और भट्टियों को नष्ट कर रही है, शराब की खेपे को नष्ट करते नजर आ रही है। तो चलिए इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।